हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर कैसे आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना है, उसके क्या फायदे होते हैं एंड पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, आजकल जब हम अमेजॉन पे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे काफी सारे लोग आपके नेम को कॉपी करते हैं, आपका जितने भी आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उन सबको कॉपी करेंगे, डिटेल्स को कॉपी करेंगे और फिर खुद अपनी एक लिस्टिंग कर देंगे। वहाँ पे आपको क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपको ये नुकसान होता है कि वो आपका ब्रांड का नाम यूज़ करते हुए, चीज़ों का नाम यूज़ करते हुए खुद सेल करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सेल्स का नुकसान होता है। जी हाँ, सेल्स का नुकसान होगा, आपको सारी सेल्स डाइवर्ट होकर चली जाती है उनके पास। अब इससे बचना कैसे, इनका प्रोसेस रहता है, देखिए इसके लिए आपको अपने नेम का ट्रेडमार्क कराना है। आप अपने नेम का वर्ड मार्क ले सकते हैं या लोगो मार्क ले सकते हैं। वर्ड मार्क और लोगो मार्क क्या होता है, देखिए जो अमेजॉन है ना, दो तरह के ट्रेडमार्क एक्सेप्ट करता है। पहला होता है वर्ड मार्क, दूसरा होता है लोगो मार्क। वर्ड मार्क के अंदर क्या होता है, जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो रजिस्टर्ड होता है, दूसरा जो आपकी कंपनी का लोगो है वो जाके रजिस्टर्ड हो जाता है। अब इसको कराने के बाद स्क्रीन पे हमारा जो एसोसिएट है वो आपको पूरी चीज़ें बताएगा कि कैसे प्रोसेस होता है। पूरी स्क्रीन को आप ध्यान से नोटिस करना, हर एक चीज़ को नोट डाउन करना, जिससे कोई भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, सोनीज विजन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री कीवर्ड टाइप कर लिया है। अब हमें फर्स्ट जो हमें लिंक दिख रहा है, ब्रांड रजिस्ट्री amazon.com, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें कि आप देख सकते हैं बिल्ड एंड प्रोटेक्ट योर ब्रांड amazon ब्रांड रजिस्ट्री। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको फोर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बिल्ड योर ब्रांड, ए प्लस कंटेंट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, amazon स्टोर्स, amazon ब्रांड एनालिटिक्स। फिर हम आगे चलेंगे, प्रोटेक्ट योर ब्रांड, एक्यूरेट लिस्टिंग्स, प्रोएक्टिव ब्रांड प्रोटेक्शन, रिपोर्ट वायलेशंस। फिर हम जब स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं Amazon 350,000 ब्रांड्स को अभी तक प्रोटेक्ट कर चुका है ट्रेडमार्क वायलेशन एक्ट से, और उनके बिजनेस को हार्म होने से उसने हेल्प करी है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आपको दिखेगा उसके फीचर्स, प्रोएक्टिव, इफेक्टिव, डेडिकेटेड, ये आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे ब्रांड्स के, जैसे ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट दे से अबाउट अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री। यहाँ पे आप जाके और भी देख सकते हैं जो भी अमेजॉन ने अपने पेज पे प्रोवाइड किया हुआ है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट देखने को मिलेगी पॉपुलर ब्रांड्स की, लिवाइज, गर्मन, DJI, हिवाई, वर्लपूल, GoPro जैसे कई बड़े ब्रांड्स भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं और Amazon ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। अब आपको यहाँ पे एक चीज गौर करने पड़ेगी कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। जब आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो उसके हिसाब से चलेगा, और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड का। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे ऑप्शन पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड इन 3 स्टेप्स, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं वो 3 स्टेप्स क्या है। यहाँ पे आपको रिव्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स Amazon देता है, जहां पे आप अपने रिव्यू कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं Amazon ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड मार्क्स, जैसे कि आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा, 2 तरह के मार्क्स होते हैं, एक वर्ड मार्क होता है और एक ट्रेडमार्क होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड मार्क्स में Amazon लिखा हुआ है और इमेज बेस्ड मार्क में Amazon का लोगो लगा हुआ है, तो ये एक वर्ड मार्क और ट्रेडमार्क का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो वी करंटली ओनली एक्सेप्ट ट्रेडमार्क्स दैट हैव बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ट्रेडमार्क ऑफिसेस इन द, यहाँ पे आपको कंट्रीज के नेम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे
और यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन दी गई है, साइन इन टू अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री। अब अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री में शुरुआत करने से पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप साइन इन का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया जा चुका है वो है एनरोल योर ब्रांड। अब आपको साइन इन करने के बाद अपनी ब्रांड को एनरोल करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एनरोल नाउ। एनरोल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपसे कंट्री का नेम पूछेगा, स्पेसिफाई करवाएगा आपसे कि आप कौन सी कंट्री में बिजनेस करते हैं या फिर आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और आपका ट्रेडमार्क किस कंट्री में रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, योर ब्रांड्स एनरोल अ न्यू ब्रांड, वेलकम टू द ब्रांड रजिस्ट्री। ये आप पूरा इसको अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब हम चलते हैं आगे एनरोल अ न्यू ब्रांड पे। एनरोल अ न्यू ब्रांड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पांच ऑप्शंस दिखाएगा, बिफोर यू बिगिन प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन वी मे कलेक्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपको पहले ही बता रहा है कि ये क्या क्या ऑप्शंस आपसे मांगेगा आगे चल के, तो आप पहले से इन ऑप्शंस को देख के और तैयारी कर लीजिए कि आपके पास क्या ये ऑप्शंस के डिटेल्स अवेलेबल हैं या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एनरोल योर ब्रांड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। फिर जब आप यहाँ पे व्हाट इज योर ब्रांड नेम, जब आप यहाँ पे अपने ब्रांड का आपको नेम डालना है, तो चलिए मैं आपको ब्रांड का नेम डाल के बता देता हूं। ये हमारी ब्रांड का नेम हो गया। यहां पे आपको सिलेक्ट अ ट्रेडमार्क ऑफिस, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है हमारा ट्रेडमार्क ऑफिस, इंडिया, तो ये आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। यहां पे आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना है, तो यहां पे आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल रहा हूं। फिर यहां पे आपको ये दो ऑप्शन देगा, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क। यहां पे आपको दो ऑप्शंस, इन दोनों ऑप्शंस में से आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है, या फिर अगर आपका ट्रेडमार्क अभी पेंडिंग है, आपने अभी अप्लाई किया है, तो आपको अप्लाई जब आपने किया है तो आपको पेंडिंग पे क्लिक करना है। फिर यहां पे आपको दूसरे ऑप्शन में यहां पे दिखाएगा सिलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कई ट्रेडमार्क्स होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यहां पे हम जो सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड मार्क। अब यहां पे आपको अपनी ऑप्शनल या ऑप्शनल ऑप्शंस हैं जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं, या आप ना भी करें तो भी चलेगा। प्लीज प्रोवाइड अ यूआरएल टू योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट का यूआरएल आप डालना चाहते हैं यहाँ पे तो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोडक्ट्स इमेजेस। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस डालनी है। अगर आपको यहाँ पे आपकी ये फाइल 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स हैं वो JPG, PNG या GIF होने चाहिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लेट सपोज अपन ये वाली इमेज ले लेते हैं यहाँ से। यहां से जब हमने ये इमेज ली तो ये पहले इसको रिव्यू करेगा और इसको अपलोड करेगा अपने डेटाबेस में। यहाँ पे ये अपलोड करने के बाद जब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वो है नेक्स्ट। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन जब आप देखेंगे सेलिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस अंडरस्टैंड योर कनेक्शन टू द ब्रांड यू आर एनरोलिंग। अब ये आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या आप उस चीज के मालिक हैं या फिर आप किसी और से खरीद के उस चीज को बेचते हैं। तो यहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, सेलर और वेंडर। तो यहां पे आपको आपके हिसाब से अपने खुद के ऑप्शन को चूज करके यहां पे सिलेक्ट करना है और यहां पे आप अपने ब्रांड की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने जो
नाम लिया है गर्ल्स आउटलेट, उससे डिनोट होता है कि वो एप्रल्स या किसी और फैशन से रिलेटेड चीज में डील करते हैं। यहाँ पे आपको प्लीज प्रोवाइड योर टॉप सेलिंग एसेंस फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी वेयर योर ब्रांड इज सोल्ड। अब यहाँ पे आपको ब्रांड के एसेन नंबर यहाँ पे देने पड़ेंगे, मैं नहीं दे रहा हूँ, किसी भी सेलर की मैं इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता हूँ या फिर जिससे उनको कोई दिक्कत हो। amazon.com यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है amazon.in, ये amazon.in का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि अपन इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया में ही ट्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, वो है नेक्स्ट। अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस आइडेंटिफाई प्रोटेक्टिव फीचर्स फॉर विच योर ब्रांड गर्ल्स आउटलेट में क्वालिफाई। डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन देगा येस और नो के, आपको इसमें अपने हिसाब से येस या नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उस पर क्लिक कर देना है। वेयर योर ब्रांड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आपको फिर से इंडिया डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल डाउन मेन्यू उसने हमें प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो कंट्रीज देखने को मिल रही हैं उसमें से आपको इंडिया को सिलेक्ट करना है। लाइसेंस इंफॉर्मेशन, डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क्स टू अदर हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विथ योर, डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क्स टू अदर्स हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विथ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आता है और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है लाइसेंसी इंफॉर्मेशन के तहत वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो आपको सबमिट के बाद ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, थैंक यू You have successfully submitted your brand registry application. We have also sent you an email that includes next steps. तो यहाँ पे आपको email पे और आगे के steps जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप enroll another brand को भी enroll करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे आप done पे click कर सकते हैं। तो ये थी आज की video. जरूर subscribe करिए हमारा channel और ऐसी information के लिए। Thank सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वो काफी सारी चीजें समझ में आएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कि कैसे मुझे ट्रेडमार्क लेना है, कैसे मुझे ब्रांड को रजिस्टर्ड करना है अमेजोन के ऊपर, तो टेंशन मत लीजिए, हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर डायरेक्ट कॉल करिए, हमारे टीम मेंबर्स से बात करिए, उनसे डिस्कशन करिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू।